इधर कोरबा में एक खेत में सिटी बस बेकाबू होकर खेत में अंदर जा घुसी। इस बस में 30 यात्री सवार थे, कई यात्रियों को चोट आई है। हालांकि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोरबा से कटघोरा की तरफ ये सिटी बस जा रही थी और तभी कटघोरा थाना इलाके के सलोरा गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर बेकाबू होकर ये सिटी बस खेत में जा घुसी। और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लापरवाही की तस्वीरें। कोरबा से कटघोरा जाने के दौरान ये जो सिटी बस है सलोरा गांव के पास इस तरह हादसे का शिकार हो गई। बारिश का मौसम चल रहा है, चिकनी मिट्टी, और ये भी एक बड़ी वजह कि बस तेजी से फिसलती हुई बगल में जो खेत था उसमें जा घुसी। उस खेत में पानी भरा हुआ है। जब यह हादसा हुआ बस में तकरीबन 30 यात्री सवार थे, इनमें से कुछ को मामूली चोट आई है जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, और बाकी जो यात्री हैं उन्हें तत्काल तेजी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कटघोरा थाना इलाके के सलोरा गांव की ये घटना है। कोरबा का ये पूरा मामला जहां बस बेकाबू होकर बारिश के मौसम में तेजी से फिसलते हुए खेत में जा गिरी। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दूं कि बारिश का मौसम है और ऐसे में जो गाड़ियों जो बस है सिटी बस वो जा रही थी कोरबा से कटघोरा की तरफ, और अचानक अनियंत्रित होकर वो सड़क से नीचे फिसलते हुए खेत में जाकर अटक गई। एक बड़ा हादसा जरूर चला है। उस वक्त बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे और किसी तरीके से चोट हल्की चोट लगी है, बाकी सभी सुरक्षित है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उधर वन विभाग पर पुलिस पर बड़ा आरोप लगा रहा है वन विभाग, राज्य का जो वन विभाग है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना पुलिस और रेत माफिया में मिलीभगत है। पीसीसीएफ हैं असीम श्रीवास्तव, उन्होंने मुरैना पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। वन कर्मचारियों पर हमले के आरोपी गिरफ्तार नहीं है, क्रॉस FIR में 4.5 साल जेल में रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी, हमला करने वाला एक आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बात पीसीसीएफ ने कही है, जो वन महकमे का सबसे बड़ा पद होता है। PCCF ने बड़ा आरोप लगाया है, मिलीभगत का यह आरोप है। वन विभाग का यह कहना है कि राज्य जो मुरैना पुलिस है खासतौर पर वो रेत माफिया से मिली हुई है। PCCF असीम श्रीवास्तव मुरैना पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हवाला वो इस बात का दे रहे हैं कि वन कर्मचारियों पर हमला हुआ, उसके कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, क्रॉस FIR इस मामले में हुई थी। क्रॉस FIR यानी दोनों तरफ से FIR जब दर्ज की जाती है, क्रॉस FIR के मामले में जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो 4 साल तक जेल में भी रहे। हैरत की बात यह है, PCCF ये सवाल उठा रहे हैं, श्रीवास्तव ये सवाल उठाते हैं कि हमला करने वाला एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, और यही वजह है कि वो इस बात का हवाला देते हैं कि कहीं जो मुरैना पुलिस है वो रेत माफिया से मिली हुई है। और बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में ये लेटर भी अब है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार वन माफिया जो है वो वन विभाग की टीम पर लगातार हमले कर रहे हैं, और इसमें कई बार ये बात सामने निकल कर आती है कि पुलिस का जो सहयोग मिलना चाहिए वन विभाग की टीम को वह नहीं मिल पाता, जिसके चलते जो है जो वन माफिया है जो खनन माफिया है उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और इसी बात को लेकर जो वन विभाग के बल प्रमुख है उन्होंने एक पत्र लिखा है, और उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 2021 में जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें पोरसा थाना इलाके में क्रॉस कायम नहीं की गई थी, लेकिन उसमें वन विभाग के जो कर्मचारी है उनको तो जेल जाना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया था वो अब तक इस मामले में फरार चल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि जब एक ही घटनाक्रम में जब आपने वन विभाग के अधिकारी जो कर्मचारी थे उनको आपने जेल भेज दिया, उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया, तो जो माफिया थे उनको अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाए हैं। सीधे तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत
जो वन विभाग जो पुलिस की टीम है और वन माफिया उनके साथ है, उसी के चलते बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सुकमा में नक्सलियों का स्मारक जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। तिम्मापुरम गांव के पास नक्सलियों ने एक स्मारक बनाया था और यहीं पर ब्लास्ट में दो जवान भी शहीद हुए थे। सीआरपीएफ कोबरा और जिला बल के जवानों ने इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमारे सहयोगी सतीश चांडक कुछ मिनटों में हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुकमा में नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है। सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, पूरी जानकारी विस्तार से। कैंप है जहां से कोबरा और सीआरपीएफ वन सेक्टर के जवान ऑपरेशन के लिए गए थे और जैसे ही तिम्मापुरम गांव के पास पहुंचे वहां जंगल में नक्सलियों को स्मारक दिखाई दिया, जिसके बाद जवानों ने उस स्मारक को ध्वस्त करके गए। बता दूं कि यहाँ पर ही कुछ साल पहले यहाँ पर एक आईडी ब्लास्ट में दो जवान शहीद हुए थे, उसी पास में ही एक स्मारक बना हुआ था, उसे जो है आज जवानों ने ध्वस्त कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रतलाम से, जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। बुजुर्ग पर हमले के आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। इसमें हिस्ट्री शीटर रेहान, रोशन, अमन ये शामिल रहे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कान पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए बदमाश। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है और बुजुर्ग पर हमले के ये आरोपी हैं, इनका जुलूस निकाला गया। कान पकड़कर सार्वजनिक माफी इनसे मंगवाई गई। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। इसमें हिस्ट्री शीटर रेहान है, रोशन है, अमन है, ये बहुत बड़े तोपची, बहुत बड़े बदमाश अपने आप को इलाके का साबित करने में। ये तब की तस्वीर जब हमला किया गया था, तब के फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से हमला किया गया था और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इनकी सारी हेकड़ी, सारी बदमाशी, सारी रंगदारी इस तरह से निकाली गई। तो रेहान, रोशन और अमन कान पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए, दो तस्वीरों में देख लीजिए। कानून के इकबाल को बुलंद करने के इरादे से ये दूसरी तस्वीर। ये दो दिन पहले जो एक घटनाक्रम हुआ था स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसके अंदर एक जो है वयोवृद्ध व्यक्ति जो है जो किराना दुकान पर बैठा था उसको सिर पर रॉड मार के जो है चोट पहुँचाई गई थी, जिसमें 3 साल का मामला भी पंजीबद्ध किया था। तो उसी में जो है वो आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है रफ़ी किया ऐसे लड़का है और उसके साथ में और दो लोग हैं जो लोग वहाँ पर गए। उसके बाद में फिर उसने सर पे मारा, एक ने उसका वीडियो बनाकर उन्हें अपने इंस्टाग्राम पे डाला और इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने आज गिरफ्तार करके मौका निरीक्षण करके और अभी कोर्ट में जो है उसको पेश कर रहा। इधर दंतेवाड़ा में महिला को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। पुलिस ने इस महिला की जान बचाई। दरअसल ये महिला नदी में फंस गई थी। रेलवे ब्रिज के पास नदी में फंसी हुई इस महिला का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। दंतेवाड़ा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। श्योपुर में शिक्षक की बेरहमी सामने आई है। छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। ना सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें मुर्गा बना दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दूर्द गांव के वंदना कॉन्वेंट स्कूल का अरुण रावत, अरविंद कुशवाहा है, आशु और अभी और ये बिट्टू और सत्यम, शिवम सत्यम अपनी करता है और ये कौन है, इमानसु और नैतिक। और जबलपुर में मिशनरी स्कूल की करतूत सामने आई। 5 मिनट लेट पहुंचने पर बच्चों को मैदान में खड़ा रखा गया। सैकड़ों बच्चों को
तकरीबन एक घंटे तक मैदान में खड़ा रखा गया। 300 बच्चे थोड़ी देरी से पहुंचे थे, कुछ मिनट की देरी से पहुंचे थे और इसीलिए इन्हें बाहर कर दिया गया। नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चे परेशान होते रहे। कल रात 10 बजे दरअसल प्रबंधन ने 7:20 पर स्कूल पहुंचने की सूचना दी थी। बच्चे थोड़ा देरी से पहुंचे, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। परिजनों के हंगामे के बाद बच्चों को स्कूल में एंट्री मिल सकी। अभिभावकों ने इस बात की कलेक्टर से शिकायत की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सेंट अलायसिस स्कूल पोली पाथर का ये पूरा मामला है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जबलपुर में हो रही हैं स्कूलों के खिलाफ, और अब 5 मिनट की देरी पर बच्चों को 1 घंटे खड़े रखना, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? पवन बिल्कुल ललित, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, कल भी एक मामला आया था कि स्कूल प्रबंधन फीस कम करने के लिए तैयार नहीं है बल्कि लेट फीस लेने पर आमादा है, जिद कर रहा है, और आज सुबह जो है 3 मिनट लेट होने वाले बच्चों को भी स्कूल के बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की कार्रवाई से स्कूल प्रबंधन बौखलाए हुए हैं और अब वो पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो प्रशासन को चैलेंज भी कर रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम इसी तरह इशारा करता है। फिलहाल बच्चों को स्कूल में प्रवेश तो मिल गया पेरेंट्स के हंगामे के बाद, लेकिन पेरेंट्स में आक्रोश है। वो कह रहे हैं, उनके सीधा सीधा आरोप है कि स्कूल प्रबंधन एक तो प्रशासन की कोई बात मानने तैयार नहीं है, कोई भी नियम कानून का पालन करने तैयार नहीं है। जब कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद पेरेंट्स को और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया है कि कल ही स्कूलों के प्राचार्य और मैनेजमेंट को बुलाकर उनसे बात की जाएगी और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें निर्देश दिया जाएगा, और यदि स्कूल बात नहीं मानते हैं, प्रबंधन अभी भी जिद करते हैं, तो उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में राजेंद्र बुंदेला नाम के एक बदमाश ने एक परिवार को पिछले 7 साल से जीना मुहाल इसने कर रखा है। परिवार को राजेंद्र बुंदेला हमेशा परेशान करता है। कभी आधी रात में साथियों के साथ आकर ढोल नगाड़े बजाता है, कभी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की, लेकिन परिवार की परेशानी दूर नहीं हुई। आरोपों के मुताबिक 2017 में तृप्ति नगर स्थित रवि प्रताप सिंह के घर के सामने बैठकर राजेंद्र बुंदेला साथियों के साथ अक्सर शराब पिया करता था। परिवार वालों ने मना किया तो उसने गुस्से में घर पर फायर कर दिया। इसके बाद तो मामला शांत हो गया, लेकिन इस साल फरवरी से एक बार फिर राजेंद्र बुंदेला ने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। थक हार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित परिवार ने अब मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही बदमाश राजेंद्र बुंदेला के हमले का डर उन्हें सता रहा है। 2017 की बात है, हम लोग इधर नए नए आए हुए थे। राजेंद्र बुंदेला अपने दोस्तों के साथ आता था घर के बाद, दारू वारू पीता था और गाली गलौज करता था। तो इसको एक दो बार टोका, इसको जातिगत गालियां देता था। एक दो बार मना किया मैंने कि भैया यहाँ गाली वाली मत दिया करो। फिर उसके बाद ये कट्टे वट्टे लेके आए, एक दो बार इसने फायर किए पहले 2017 में। हम लोग बाहर निकल के गए तो पहले इन लोगों ने मेरी मारपीट कर दी, उसके बाद गोलियां चलाई, पत्थर फेंके, जिससे घर के सारे दरवाजे खिड़की टूट चुके थे। दतिया में किसानों ने तहसील का घेराव किया है। बिजली संकट से परेशान किसानों ने हल्ला बोला। लांच खैरोना पचोखरा गांव के किसान परेशान हैं। तहसील परिसर पहुंचकर इन्होंने जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि सिर्फ 1 से 2 घंटा बिजली मिल रही है। किसानों ने तहसीलदार शिल्पा सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा है। 6-7 गाँव जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सीहोर के कोलार डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। मंत्री सिलावट ने कोलार डैम का निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि डैम के ऊपर से निकलने वाले मुख्य मार्ग है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त है। कई जगहों पर डैम के ऊपर से निकलने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। लग रहा है ये मंत्री पूरी मध्य प्रदेश की सरकार के डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का दावित है कि मध्य प्रदेश सरकार तालाबों की रक्षा की जाए, उसके आने जाने की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो डैम में ज़्यादा मुझे सुरक्षा की दृष्टि से जो निर्देश देना जो दिए हैं और ये जल्दी जल्दी पूरे होंगे। सबको अधिकारियों को निर्देश दिए इससे पहले दोनों क्यों नहीं किया था, आपने निर्देश दिए उसके बाद क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं किया था? एक बात, जब पहले निर्देश दिए तो पूरा हो गया, अब जो आप निर्देश दे रहे हो जल्दी पूरे हो जाए।
ग्वालियर में एक युवक के घर पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। मामला गोले का मंदिर थाना इलाके की पुष्कर कॉलोनी का है। शराब की दुकान पर काम करने वाले युवक के घर कार से सवार होकर बदमाश आए, पत्थरबाजी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित युवक सौरभ तिवारी ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। इंदौर नगर निगम का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज बजट पर चर्चा होनी थी। भाजपा पार्षद दल ने विपक्ष से माफी मांगने की मांग की है। कल सदन में कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था। काले कपड़े पहनकर तख्तियों के साथ वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। बिना बहस सभापति ने बजट और प्रस्ताव पास कर दिए। छतरपुर में एक पटवारी का बुजुर्ग किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी राम अवतार कुरेला कुरेला के हलका में पदस्थ है। कुल भूमि का प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में एक बुजुर्ग किसान से 1,000 रुपए की इसने रिश्वत ली। घूसखोरी का ये वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने पटवारी राम अवतार को निलंबित कर दिया है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की तबियत बिगड़ गई। हैदराबाद हिसार एक्सप्रेस के यात्रियों की तबियत खराब होने लगी। औरंगाबाद के 100 से ज्यादा लोग जो अजमेर से लौट रहे थे, रास्ते में ही 25 से ज्यादा की तबियत बिगड़ने लगी। सूचना पर स्टेशन पर कैंप लगाया गया। 16 यात्रियों को सिरदर्द, बुखार, उल्टी की शिकायत थी। इलाज के बाद करीब 15 मिनट की देरी से ट्रेन को रवाना किया गया। पर आकर ट्रेन के आने पर सभी पेशेंट्स को ट्रीट किया गया। कुल 16 मरीजों का इलाज हुआ, जिसमें 11 मेल और 5 फीमेल हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त थे। फीवर, कफ कोल्ड, हेडेक, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन के पेशेंट्स ट्रीट किए गए। उल्टी दस्त जैसी कंप्लेंट पेशेंट्स के द्वारा नहीं बताई गई। केवल 2 ही पेशेंट थे जिनके द्वारा लूज मोशन कंप्लेंट किया गया। हम लोगों से बात किया है, उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने नाश्ते में पोहा खाया था, जिसके बाद अधिकांश लोगों को हेडेक और एब्डोमिनल पेन की शिकायत हुई और सभी पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया गया। कोई भी पेशेंट गंभीर नहीं है। जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईओडब्ल्यू ने यह पूरा छापा मारा है। भोपाल और सीहोर में ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की। सीहोर में फैक्ट्री के अंदर से टीम ने कागजात खंगाले हैं। भोपाल में किशन मोदी जो मालिक है इस फैक्ट्री का, किशन मोदी के घर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करती है ये कंपनी और तकरीबन 27 देशों में डेयरी प्रोडक्ट का निर्यात होता है। कागजों में हेर फेर के आरोप इस पर लगे हैं। मध्य प्रदेश के बड़े डेयरी कारोबारी जयश्री गायत्री फूड पर बड़ा ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ये हम भोपाल में उनका दफ्तर है, घर है जो किशन मोदी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, मध्य प्रदेश पुलिस मौजूद है, यहाँ पर ये छापा पड़ा है और लगातार ईओडब्ल्यू छानबीन कर रहा है। करोड़ों के कारोबार को लेकर आर्थिक गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, उसके बाद से यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। इसके अलावा सीहोर में भी दबिश दी है। करोड़ों के कारोबार वाली सबसे बड़ी कंपनी है ये और डेयरी का इनका बड़ा उत्पादन है और निश्चित ही इनकी जो सीहोर में फैक्ट्री उसको लेकर भी काफ़ी शिकायतें थी। वहाँ पर भी स्थानीय ग्रामीण लगातार शिकायत करते रहे कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, वहाँ की जो नदी है उसको भी प्रदूषित किया गया है। अब आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जयश्री गायत्री फूड्स की जाँच हो रही है। ईओडब्ल्यू की टीम भोपाल, इंदौर, सीहोर जहाँ जहाँ इनके दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है और सारे दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह की आर्थिक गड़बड़ियाँ की गई है और उसके बाद ईओडब्ल्यू आगे की कार्रवाई करेगा। तो अब कितने करोड़ों की अनियमितता एक ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और भिंड में एसएएफ जवान के साथ धोखाधड़ी की गई है। धक्का मारकर एटीएम कार्ड हाथ से गिराया गया। कार्ड जैसे ही गिराया गया तत्काल उसे बदल भी दिया गया और एटीएम कार्ड बदलकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर कार्ड को स्वैप कर रुपए निकाले गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। एक महीने बाद भी आरोपी पकड़ से
बाहर हैं। पैसा निकाला है तो किसी लोगों ने अज्ञात लोगों ने धक्का दिया, फिर बोले अंकल जी सॉरी, और पैसा हमने कहा कि जल्दी में जा रहे हैं तो चले गए सीधे महंगाओं। बाद में बैंक से कॉल आया कि ऐसे तरह से आपके पैसा एडिट हो रहे हैं, तो हमने फिर उसकी कार्रवाई बंद करवाया। बंद करवाने के बाद फिर 2 तारीख को FIR देहात थाना भिंड में कराई SP साहब से मिलके, और सर से लेके फिर हम पोर्सा गए, मुरैना गए, अम्बा गए, सबकी ATM पेट्रोल पंप से नाजायज पैसा निकाले गए। और उसके बाद देश में जातिगत जनगणना की राहुल गांधी की मांग और उससे लेकर अनुराग ठाकुर के बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी उसको उतना अधिकार मिले। जीतू पटवारी की माने तो अनुराग ठाकुर ने सदन में जो बयान दिया उससे साफ है कि बीजेपी के लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी।